चैनल इट्स वेली क्रिस एंड गाइस, आज मैं आप लोगों को ये लोहरी लुक बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से ये आई मेकअप का लुक क्रिएट करा एंड ये प्रिटी सा हेयर स्टाइल मैंने जो बना रखा है, ये सब इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देन आप मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा। एंड बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। गाइस, फर्स्टली मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का प्राइमर अपने फेस पे। एंड प्राइमर यूज़ करने के बाद अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे यूज़ करूँगी। आप चाहें तो कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बट वो अच्छा होना चाहिए। मॉइस्चराइज़र के बाद मैं यूज़ करने जा रही हूँ कंसीलर अपने डार्क सर्कल के नीचे एंड नोज़ के जस्ट बगल में। कंसीलर आप जहाँ भी आपके थोड़ा सा डार्क टाइप का हो उधर आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे। के बाद अब हमें कंसीलर को अपने टैप टैप करके फिक्स कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद मैं यूज करने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी का कवर बेस फाउंडेशन। ये बहुत ही लाइट है। अब मैं इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर ले रही हूँ। एंड गाइज, बेस लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने आईज के नीचे लूज पाउडर लगा ले रही हूँ। एंड इसके बाद अब मैं जा रही हूँ अपनी आईब्रोज को फिल करने। एंड गाइज, हमें आईब्रो फिल करना आईब्रो के लास्ट से स्टार्ट करना है। एंड गाइज, मेरा राइट वाला आईब्रो फिल हो गया एंड मैं लेफ्ट वाला आईब्रो ऐसे इस तरीके से फिल कर ले रही हूँ। तो गाइज, मेरा दोनों आईब्रो फिल हो गया है एंड इसके बाद मैं अपने आईज का मेकअप करने जा रही हूँ। तो गाइज, आईज का मेकअप करने के लिए फर्स्टली मैं यहाँ पे यूज करूंगी कंसीलर अपने आईज पे। कंसीलर लगाने के बाद अब मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी ब्लॉन्डर से। एंड गाइस, कंसीलर यूज करने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी थोड़ा सा लूज पाउडर अपनी आईलेट के ऊपर।
इसको इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ जिससे कि कंसीलर सेट हो जाए। गाइज आई मेकअप करने से पहले मैं अपने आईज के कॉर्नर पे एक सेलो टेप यूज कर रही हूँ, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंड फर्स्टली मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डार्क पिंक शेड अपने आईज के क्रीज पे। डार्क पिंक शेड यूज करने के बाद अब मैं यूज करने जा रही हूँ अपनी आईज के क्रीज के जस्ट ऊपर साइड लाइट शेड लाइट पिंक कलर। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी डार्क लिपस्टिक का मेरून शेड अपने आईज के जस्ट नीचे वाले डार्क शेड के नीचे शेड पे। लिपस्टिक को लगाने के बाद आपने एक ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड करना है, तो आप इसे ब्लेंड करने के लिए फ्लैट ब्रश यूज करिएगा। एंड आफ्टर यूजिंग दिस आई एम यूजिंग ग्लिटर रेड ग्लिटर on my eyelid. And glitter लगाने के बाद अब मैं इस टेप को रिमूव कर रही हूँ। You can see my eyes, ये बहुत pretty लग रही है। And इसी तरीके से मैं इस साइड का भी टेप रिमूव कर दे रही हूँ। और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपने आईज के नीचे कंसीलर, बिकॉज टेप के लगने के कारण हमारा जो आईज के नीचे कंसीलर लगा था वो हमारा रिमूव हो गया है। इसे थोड़ा ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे, बट केयरफुली ब्लेंड करिएगा जिससे कि आपके आईज का ग्लिटर जो लगाया है वो फैले ना। एंड इसके बाद अब मैं यूज करूंगी लूज पाउडर इस कंसीलर के ऊपर। एंड इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी काजल अपने आंखों के नीचे। अब मैं अपने आईज के क्रीज पे ब्लैक आई शेडो लेकर इसे ब्लेंड करूंगी इसे बोल्ड बनाने के लिए। ब्लैक आई शेडो के बाद मैं यूज करूंगी पिंक डार्क पिंक आई शेडो अपने आईज के नीचे। एंड हमने करने का है कि सिंपली इसे ब्लेंड करना है। एंड फाइनली ये लग गया। एंड इसके बाद मैं यूज करूंगी आईलाइनर अपने आईज पे। गाइज लास्ट में आपने आईलाइनर का विंग आपको मोटा रखना है, एंड स्टार्टिंग में लाते लाते इसे पतला कर देना है। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे फेस पाउडर। एंड गाइज यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉन्टोर अपने फेस पे। एंड यहाँ पे मैं अगेन फेस पाउडर यूज कर रही हूँ अपने फेस पे। बेबी पिंक हाइलाइटर अपने चिक्स पे यूज कर रही हूँ।
इसके बाद मैं सिल्वर हाइलाइटर अपने पिंक वाले हाइलाइटर के ऊपर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मैरून लिपस्टिक अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो बीच से अब दिखा रही हूँ। गाइस, लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैं आईज पे अब मस्कारा लगाने जा रही हूँ अपने। मस्कारा लगाने के बाद मैं यहाँ पे आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ। एंड लास्ट में गाइस, मैं हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। एंड अब मैं आप लोगों को हेयर स्टाइल बनाना सिखाने वाली हूँ इस मेकअप लुक पे। तो आपने सिंपली अपने हेयर्स को पहले कॉम्ब कर लेना है, देन सेंटर से अपने हेयर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मांग टीका अपने मांग पर। एंड इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिप्स लगाऊंगी। एंड सेंटर से आपने अपने कुछ हेयर्स को लेकर राउंड करना है, देन राउंड करते हुए बाकी के हेयर को लेकर राउंड करते रहना है। एंड इससे पहले आपने थोड़े से हेयर अपने आगे साइड फेस पे निकाल लेना है एंड बाकी के हेयर को राउंड कर लेना है। यहाँ पे मैं इसे बाउंसी बनाने के लिए थोड़ा लूज कर रही हूँ, देन क्लिप से इसे फिक्स कर ले रही हूँ। अदर साइड भी हमें उसी तरीके से हेयर स्टाइल बनानी है। एंड गाइस, दोनों साइड का लुक क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने हेयर को आगे लेके कॉम्ब कर ले रही हूँ एंड एक बैंड से इसे फिक्स कर ले रही हूँ। तो मैं फिक्स करने के बाद हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड करके खजूरिया चोटी गूंथ रही हूँ। एंड जब आपकी चोटी लास्ट तक गुच जाए तो आप इस बैंड को रिमूव कर दीजिएगा। एंड इसके बाद मैं अपनी चोटी को मैसी लुक देने के लिए इसे लूज कर रही हूँ। एंड गाइज, आप देख सकते हैं कि मेरी चोटी कितनी प्यारी लग रही है। इसके बाद मैं इसे बैंड से फिक्स कर ले रही हूँ और मांग टीका के साथ जो कान का इयररिंग था उसे मैं अपने कान में पहन ले रही हूँ। सो फाइनली गाइज, मेरा लुक रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो वायरल हो सके। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइज। थैंक यू सो मच।